साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत् त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य
त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनन्देवन् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु महि पारा सुरसा पदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पाद उजारि सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटि लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुनि सुर पुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डर पत नाही पाए परों कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपद राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो
जय जय धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामे पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जहि मारे काहि कहो फिर कौनु बारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ॐ शत्रुमर्दिनी नमः ॐ श्री अम्बिका देवी नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः ॐ श्री रक्षाकरी नमः ॐ राक्षसघ्नी नमः ॐ श्री चामुंडा नमः ॐ मधुकेतवहन्त्री नमः ॐ नरकान्तकाय नमः ॐ भण्डासुरमर्दिनी नमः ॐ श्री शिर्दिसाईनाथ नमः ॐ श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय नमः ॐ श्री कार्तिकेय नमः ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः जय श्री माताजी एवरीवन श्री माताजी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहयोगी जो स्वयं के गुरु हैं जिनको मां ने साधकों की कुंडलनी शक्ति को जागृत करने का आशीर्वाद दिया जो आज से पहले न कोई अवतार न ऋषि मुनि न साधु संत इतनी बड़ी संख्या में कुंडलनियां जागृत कर सके जैसे आदि शक्ति के बालक सहयोगी कर पाते हैं। सहयोगी के भीतर ये गुरु तत्व आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतरणों के सम्मान वंदन और पूजन से ही संभव है। कोई धर्मांधता नहीं किसी एक विशेष गुरु को मान के
दूसरे गुरुओं की अवहेलना, इससे हमारा गुरुपद जागृत नहीं हो पाएगा। सभी धर्म गुरु समय के अनुसार अलग अलग काल, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग देशों में अवतरित हुए। और उन्होंने काल अनुसार धर्म के कुछ नियम बताए। कोई भी एक विशेष गुरु को मानने से और अन्यों को नजरअंदाज करने से हमारा गुरु तत्व पकड़ जाएगा, हमारा भव सागर जो गुरुओं का निवास स्थान है, जो हमारे किडनी, लिवर, स्प्लीन, आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं, वो पकड़ जाएंगे। हमें सभी धर्म गुरुओं को, अवतरणों को मानना होगा, तभी हमारा गुरु तत्व पूर्ण रूप में जागृत होगा। आइए आज के इस कार्यक्रम में श्री माता जी की वो अमृत वाणी सुने, एक अंश सुने, जिसमें माँ ने बताया कि गुरु तत्व कैसे जागृत होता है। आप सभी गुरुओं का यहाँ हार्दिक अभिनंदन, आपके गुरु तत्व को मेरा सादर नमन। आज की ध्यान श्रृंखला में आगे बढ़ने से पूर्व अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, हर जगह से हटा लेंगे, परिवार जनों से हटाएंगे, आसपास की स्थितियों परिस्थितियों से हटाएंगे, इकट्ठा करेंगे चित्त और अपने बाएं हृदय में रख देंगे। अपनी आत्मा में अपने चित्त का निरूपण कर देंगे, संभालेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आत्मा। सत्य चित और आनंद हूं मैं, प्रेम दया करुणा क्षमा शांति का सागर हूं मैं। आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं, पूरी तरह से चित्त को आत्मा में उतार लेंगे, बाएं हृदय के अंदर
एकदम अंदर उतर जाएंगे चित्त से। चित्त आत्मा का मिलन होने देंगे, रिजुविनेट होने देंगे चित्त को। सदाशिव का प्रतिबिंब हो, शिव हो में, शिव हो में, शिव हो में। हिमा कुंडलनी मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। आत्मा एक प्रकाश है, अंगूठे का आकार है इसका। अपने बाएं हृदय में चित्त से इसे ढूंढेंगे, उतरते जाएंगे बाएं हृदय में। अंदर 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 साक्षी हूं मैं, निर्लिप्त हूं मैं, आत्मा हूं मैं। चित्त हूं मैं, सत्य हूं मैं, आनंद हूं मैं। धीरे धीरे अपने चित्त को बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे धीरे, और दाएं हृदय में रखेंगे मां सीता श्री राम के श्री चरणों में। हर मर्यादा के साथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम को नमन। पूरा चित्त दाएं हृदय में, महसूस करेंगे दाएं हृदय को चित्त के माध्यम से। माँ आप ही साक्षात श्री सीताराम है, आप ही सीता रूप में प्रथम बार अवतरित हुई मादी शक्ति। श्री सीताराम रूप में जागृत हो जाएगी,
चित्त को धीरे धीरे मध्य हृदय में लाएंगे। महसूस करेंगे माँ जगदम्बा को विराजी हुई जगत जननी। नमन करेंगे हे माँ जगदम्बा, हे जगत जननी, ब्रह्मांड स्वामिनी, सभी ग्रह नक्षत्र आपके श्री चरणों में, पूरा ब्रह्मांड, नदी पर्वत सागर आपके श्री चरणों में, सभी देवता आपके श्री चरणों में, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री हनुमान, श्री भैरवनाथ, आपके ही चिरंजीवी पुत्र है, हे माँ जगदम्बा, जागृत हो जाइए अपने पूर्ण स्वरूप में, मेरे मध्य हृदय में। महसूस करेंगे ऊर्जा को, पूरा चित्त मध्य हृदय में, रीढ़ की हड्डी पे भी इसका स्पंदन महसूस कर रहे हैं। मध्य हृदय में माँ जगदम्बा के दरबार में विराजे श्री गणेश को नमन, विघ्नहर्ता श्री गणेश को नमन। आपके समस्त गुण और शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए, मेरे हर चक्र भी आप विराजित हो जाए। माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए, आप ही परम चैतन्य है। आदि अंत है सृष्टि का, आप अनंत है। प्रार्थना करेंगे श्री कार्तिकेय से, आपका तो जन्म ही राक्षसों के मर्दन के लिए हुआ, शिव शक्ति पुत्र है, जागृत हो जाइए मेरे दाई मूलाधार में, मेरी दाई नाड़ी में। रक्षण कीजिए हर नकारात्मकता से, अपनी पूर्ण शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए। महसूस कर सकते हैं अपने दाएं भाग में श्री कार्तिकेय को, बहुत सुंदर अनुभूति है। धीरे धीरे चित्त को फिर से मध्य हृदय मिलाएंगे।
श्री भैरवनाथ जी को आवाहन देंगी। श्री भैरवनाथ जी, आप माँ वैष्णो द्वारा आशीर्वादित हैं, माँ आदि शक्ति द्वारा आशीर्वादित हैं। आपके बिना माँ आदि शक्ति का पूर्ण शक्तियां और ज्ञान असंभव है। जागृत हो जाइए, मेरे बाएं भाग में ही तंत्रों के ज्ञाता हर तांत्रिक के दुष्प्रभाव को निष्फल कीजिए। अंधकार से प्रकाश में ले जाइए। मेरे आलस्य को, मेरे दुख को दूर कीजिए। अपनी मशाल से प्रकाशित कीजिए मेरा बायां भाग। महसूस करेंगे अपने ही अंदर बाएं भाग में श्री भैरवनाथ जी को, अपने गुण और शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए प्रभु। चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे, श्री भैरवनाथ जी का कार्य चल रहा है, माँ भी श्री भैरवनाथ है। जागृत हो जाइए, पूरा चित्त बाएं भाग में, चित्त को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे। श्री हनुमान जी को आवाहन देंगे, हे पवन पुत्र हनुमान, कृपा कीजिए, जागृत हो जाइए मेरी पिंगला नाड़ी में। अपने गुणों और शक्तियों के साथ जागृत हो जाइए मेरे सभी बिगड़े हुए कार्यों को सिद्ध कीजिए। कृपा कीजिए, महसूस करेंगे श्री हनुमान जी को पिंगला में, आकाश में, पवन में। पूर्णतया नकारात्मकताओं का नाश कर रहे हैं अपनी गदा से। माँ भी साक्षात श्री हनुमान है, पूरा चित दाएं भाग से
वायुमंडल में, आकाश, मेरे सभी कार्य सिद्ध कीजिए हनुमान जी। भूत पिशाचों का नाश कीजिए, हर बाधा से मुक्त कीजिए, चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे। धीरे धीरे चित्त मध्य हृदय में लाएंगे, माँ जगदम्बा सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित मध्य हृदय में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चित्त को घुमाएंगे, मध्य हृदय में माँ की उपस्थिति को महसूस करेंगे। माँ जगदम्बा आइए, आपका दरबार तैयार है, आइए माँ। हे माँ जगदम्बा, जगत जननी, मेरे सहस्त्रार का भेदन कीजिए, माँ आदि शक्ति के श्री चरण मुझे स्थापित कीजिए, नमन करेंगे माँ जगदम्बा को सभी देवी देवताओं और उनकी शक्तियों से ऊपर उठेंगे, विशुद्धि में, आज्ञा में, सहस्रार में बाहर आएंगे माँ चरणों में, नमन करेंगे। हे माँ, आपके श्री चरणों में मेरा सर्वस्व समर्पित, माँ के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य फैलने देंगे पूरे सहस्त्रार में, पूरा चित्त रखेंगे ब्रह्म रंध्र के आसपास, लिम्बिक एरिया, श्री माता जी। I surrender everything at the lotus feet. सब छोड़ेंगे श्री माँ के श्री चरणों में। हे परमेश्वरी, मेरे इस चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि आकाश अंतरिक्ष को पार कर शून्य सरोवर में श्री सदाशिव से योग कर सके। माँ को महसूस करेंगे सहस्त्रार पे, हे सहस्त्रार स्वामिनी माँ, हे ब्रह्मांड स्वामिनी माँ, मोक्ष प्रदायिनी माँ, आपको अनंत कोटि नमन। हमें आशीर्वादित कीजिए माँ, आशीर्वादित कीजिए माँ, आशीर्वादित कीजिए माँ।
चित्त को उठाते रहेंगे, अर्धबिंदु बिंदु वलय वलय से और ऊपर और ऊपर और ऊपर आकाश, आकाश से और ऊपर आकाश के परे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से और ऊपर और ऊपर और ऊपर अंतरिक्ष के परे शून्य सरोवर, शून्य में समाएंगे। इस सदाशिव विराजे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, इस शरीर से, हाथ पैर से, जीवा से, मन वचन या कर्म से यदि कोई भी अपराध हुआ, जाने अनजाने, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे शिव शंभु, आपकी जय जयकार। हमें अपने अंदर संभाले, योग प्रदान करें, मां निर्मला की कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। आपसे योग की अभिलाषी हूं, सदाशिव के भीतर समा रहे हैं, समा जाएंगे। समा जाएंगे। समा जाएंगे। समा जाएंगे। पूरा चित्त समा गया है। धीरे धीरे बाहर आएंगे, प्रयास करेंगे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, हे परमेश्वर, इस योग की स्थिति के लिए, इस योग के बनाने के लिए आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपकी शुद्ध इच्छा ने, मां निर्मला ने हमें इस योग के बनाया, आत्मा बनाया। आपको अनंत कोटि नमन। आपके शुद्ध इच्छा के लिए, आपकी शक्ति के लिए, मां निर्मला के अवतरण के लिए
नमन करके धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, ग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे, नवग्रहों को, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नमन करेंगे। आशीर्वादित हो शांत रहे और हमें सहयोग करें हमारे हर कार्य में, ऐसी प्रार्थना करेंगे नवग्रहों से। हमारे चक्रों पे आप विराजे अपनी अपनी शक्तियों के साथ, ऐसी प्रार्थना करेंगे। धीरे धीरे आकाश तक आएंगे और आकाश से झरते हुए परम चैतन्य अपने सहस्रार में ब्रह्म रंध्र के माध्यम से समाएंगे। सीधा कनेक्शन फील करेंगे शिव चरणों से, श्री सदाशिव से। हमारे ऊपर गिरता हुआ परम चैतन्य नीचे मूलाधार तक, मूलाधार परम चैतन्य फैल रहा है हमारे अंदर। सीधा कनेक्शन स्वाधिष्ठान नाभि मध्य हृदय विशुद्धि आज्ञा सहस्रार स्नान करेंगे परम चैतन्य में, तन मन को भिगो लेंगे। भीगने देंगे पूरे शरीर परम चैतन्य से, फैलाएंगे चारों तरफ परिवार पे, घर में, अपने शहर में, अपने देश में, सभी प्रायद्वीपों में, अमेरिका, नॉर्थ साउथ, अफ्रीका, अंटार्कटिका, चित्त ले जाते रहेंगे। चित्त एक पेंटिंग ब्रश है, जहां जा रहा है परम चैतन्य फैल रहा है। यूरोप, पूरा यूरोप, एशिया, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया,
मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, कैनबरा। फैला देंगे परम चैतन्य पंच तत्वों में, पृथ्वी तत्व जहां जहां थल है, चित ले जाएंगे, जल जल तत्व जहां जहां जल है, वायु तत्व जहां जहां वायुमंडल है, परमिट करते जाएंगे, अग्नि तत्व प्रचंड अग्नि महाहवन कुंड के अंदर अग्नि तत्व में परमिट करें, सारी नकारात्मकताएं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आकाश तत्व में आएंगे, निराबाधा क्षेत्र बरसने देंगे परम चैतन्य, भीगते रहेंगे, भीग जाएंगे, हमारे ऊपर भी गिर रहा निरंतर परम चैतन्य, सहस्त्रार पे आएंगे, परमेश्वरी को धन्यवाद करेंगे, हे परमेश्वरी, हे मादी शक्ति, गुरुओं के गुरु हैं आप, सहजयोगियों के गुरु हैं, माँ हैं, देवी हैं, हे देवी, हमारा सर्वस्व आपको समर्पित, क्या है वो जो हम आपको दें, हमारा जीवन आपका, हमारा सब कुछ आपका है श्री माता जी, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा, तू ही करता तू ही कर लेता, तू ही करता तू ही भोगता, सम्मा को सौंप के धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में, श्री चरणों में, यहीं विश्राम करेंगे, आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी, थैंक यू माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, माता जी, जय श्री माता जी, सभी को, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता, जय श्री माता जी, अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी, थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, इतनी सुंदर अद्भुत यात्रा कराने के लिए माँ आपको इतना सुंदर यंत्र बनाती हैं,
कि हर चीज में हम अपने को समाहित पाते हैं सभी चक्रों पे होते हुए, और आत्मा पे तो इतना सुंदर अनुभव होने लगा है कि बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू बेटा। बल्कि मैंने कल 29th वाला किया था आत्मा के ऊपर और चित्त का जो इतना सुंदर अनुभव रहा। थैंक यू बच्चे। थैंक यू। थैंक यू बुआ। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों को थैंक यू। सब लोग मेरे चित्त में थे और हमेशा रहते हो, ठीक है। और क्योंकि अलका से तुम सब लोग वैसे ही जुड़े हुए हो, अलका माँ से, तो हमेशा हम एक ही चित्त रहते हो, मैं अलका से, तो हर जगह हर समय तुम लोग साथ होते हो। भले ही मैं वहां थी पूजा में या रास्ते में थी, पर मैं ग्रुप के साथ थी। और जो भी मुझे बता दो कौन सी पूजा में थी आप। मैं पंजाब में गुरु पूजा में थे, अमृतसर में। अमृतसर। थैंक यू बच्चा। और थैंक यू हमारी कलेक्टिविटी का जो हमेशा साथ होती है मेरे। बिल्कुल, सब साथ में जुड़े ही रहते हैं हमेशा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी।